इस समाचार के प्रायोजक है राम शांति विद्या मंदिर, जो दे आपके बच्चों को सही दिशा। स्मार्ट लोगों की पसंद फ्रेश मार्ट किराना जनरल स्टोर, दुल्हन साड़ी एंड वस्त्र भंडार, महिलाओं की पहली पसंद। पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 17 मार्च की शाम को एमपीएल मैदान पर नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस रूपी होली का दहन कर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर कर्मचारी मोर्चा यह प्रदर्शन करने जा रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि 17 मार्च को संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर नगर पालिका मैदान पर शाम 6 बजे नेशनल पेंशन स्कीम रूपी होलिका का दहन किया जाएगा। नेशनल पेंशन स्कीम की होलिका दहन करने वाले आप लोग, इस संबंध में बताइए क्या होने वाला है। नेशनल पेंशन स्कीम 2005 में लागू हुआ था और इस पेंशन योजना के तहत जब समीक्षा की कर्मचारियों ने तो पाया कि उनके सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी को 2000, किसी को 400, किसी को 500, छोटे कर्मचारी हैं, तृतीय वर्ग कर्मचारी हैं, चतुर्थ कर्मचारी हैं, तो उस समय जिस समय उनको पेंशन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है उस समय उनको पर्याप्त नहीं है। और 30 साल 33 साल 40 साल की सेवाएं देने वाले कर्मचारी लास्ट में जा कर के जब निसहाय अपने आप को महसूस करेंगे तो वो हमारे सेवा के विरुद्ध होगा, नियमों के खिलाफ होगा। इसलिए हम सभी अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की तरफ से 17 मार्च को शाम 5 या 6 बजे के आसपास नगर पालिका ग्राउंड में नई पेंशन स्कीम लागू करने के मांग को निरस्त करने और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किए जाने के संबंध में एक मांग के स्वरूप रखते हुए सांकेतिक अपने एक प्रदर्शन को लेकर सभी नई पेंशन स्कीम का होलिका दहन करेंगे। कि शासकीय कर्मचारी के लिए जुआ खेलना संवैधानिक दृष्टिकोण से गलत है, तो पैसे हमारे हैं और हमारे पैसों पर सरकार जुआ खेल रही है। चूँकि ये जो एनपीएस का पैसा जिन शेयर मार्केट में जा रहा है वो उतार चढ़ाव के अधीन है और उतार चढ़ाव का दुष्परिणाम ये है, जो 1 जनवरी 2005 से हमारे प्रदेश में एनपीएस लागू हुई उसका दुष्परिणाम अभी हमको दिखाई देने लगा है। जो कर्मचारी हमारा रिटायर हो रहा है उनको एनपीएस के नाम पे किसी को 500 रुपये, किसी को 800 रुपये, किसी को 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। महीने के बीच में ही क्षेत्रवासियों को भीषण गर्मी का सामना करते हुए देखा जा रहा है। अचानक गर्मी ने तेजी से रुख किया है। सुबह 9 बजे के बाद ही तेज धूप का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर में गर्मी का तापमान 36 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। गर्म हवाएं चल रही है, वहीं दोपहर को सड़कों पर यातायात कम नजर आ रहा है। दिन में धूप से बचने के लिए दुपट्टे आदि का सहारा लेना पड़ रहा है। बाजार की दुकानों पर भी इनकी मांग बढ़ गई है। गर्मी को बढ़ते देख आम लोगों से खुद के बचाव को लेकर जागरूक होकर कामकाज करने की अपील की जा रही है। त्यौहार में 2 दिन शेष बचे हैं और रंगों के पर्व को मनाने के लिए अभी से बाजार सज गए हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक में होली त्यौहार को लेकर उत्साह है। बाजार बड़ी बड़ी पिचकारियों से सज गया है। इसी तरह रंगों के साथ ही नकली चेहरों वाली तरह तरह की मजाकिया वस्तुएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गुलाल, रंग, पिचकारियों और इन वस्तुओं को खरीदने के लिए बाजारों में भीड़ पहुँच रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस साल पिचकारियों का बाजार मांग के अनुरूप अभाव है, जिससे दुकानों पर सीमित मात्रा में ही यह उपलब्ध है। कई लोगों को पिचकारियां अच्छी नहीं मिल पा रही है और कई लोगों को जिन्होंने खरीद ली है उन्हें अच्छी पिचकारियां मिल गई है। फिलहाल शुक्रवार को पूरे उत्साह के साथ होली मनाने के लिए लोग तैयार नजर आ रहे हैं। बीसीएन न्यूज पांडुरा को अपने टेलीविजन सेट पर देखने के लिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल BCN न्यूज पांडुरना को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।